वेलकम टू राजन आईटीआई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीआईटीएस एडमिशन 2022 के बारे में। देखिए, आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म को दिखाया जा रहा है, क्लियर है। फॉर्म की ये फॉर्मेट है, इसको दिखाया जा रहा है। ये फॉर्म आप सभी को भरना है। थोड़ा सा इस चीज़ें को समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और समझिएगा। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सभी को नहीं भरना है। ये चीज़ थोड़ा सा आप देख लीजिए, किनको भरना है। जो लोग ITOT, अभी आपने देखे होंगे कि ITI जो कॉलेजें थी, इस चीज़ को आप थोड़ा समझिए। ITI जो कॉलेजें चल रही थी, कुछ ITI कॉलेज में भी अब CITS करवाई जाएगी, क्लियर है। तो वो ITI जो कॉलेज थी उसको क्या किया गया, कन्वर्ट कर दिया गया ITOT में, क्लियर है। तो जो ITOT में कन्वर्ट किया गया ना, तो उसमें अब क्या कराया जा रहा है कि फॉर्म, पहले एक फॉर्म को भराया जा रहा है, क्लियर है। अब थोड़ा सा आप समझते हैं। एग्जांपल के लिए इस फॉर्म को पहले आप देखिए, उसके बाद एक हम दूसरा, पहले एक दूसरा फॉर्म को आपको दिखाते हैं। अब आप थोड़ा सा इसको समझिए, क्योंकि देखिए जो कमेंटें आती है, कुछ लोग को समझ नहीं आता है, इसकी वजह से उनको पता नहीं लगता। देखिए पहले आप समझ लीजिए, देखिए ये क्या है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा आइए तो आप देखेंगे कि CITS सीट इन गवर्नमेंट ITOT राजस्थान स्टेट। राजस्थान में क्या किया गया, जो ITI कॉलेजें थी उसको कन्वर्ट किया गया किसमें, ITOT में, ठीक है। ITOT में कन्वर्ट किया गया, यहाँ पे आप देख सकते ITOT में इसको कन्वर्ट किया गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो ITOT में जो राजस्थान में जो भी कॉलेज हैं, ITI के जो भी कॉलेज हैं ना, जैसे अलग अलग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम भी दिया हुआ होगा, अलग अलग कॉलेजें हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग कॉलेजें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे अलवर है, उसके बाद गवर्नमेंट ITI अजमेर है, ठीक है। तो इस टाइप से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का नाम मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये राजस्थान में जितने भी ITI हैं जिनको ITOT में कन्वर्ट किया गया, उसकी ये कॉलेज की लिस्ट है। यहाँ पर आप समझ लीजिए, ये क्या है, कॉलेज का लिस्ट है। कहाँ की है, राजस्थान की। अब जो लोग राजस्थान के रहने वाले हैं वो क्या सोचेंगे कि हम नज़दीक से ही CITS कर लें। तो जो ITI कॉलेजें सरकारी, जो ITI जो गवर्नमेंट कॉलेज थी ITI, उसको कन्वर्ट किया गया ITOT में, क्लियर है। तो ITOT में जब कन्वर्ट किया गया तो कुछ ट्रेडें की सीट यहाँ पर है, हालाँकि अदर स्टेट में कन्वर्ट किया गया, ऐसा नहीं कि ओनली राजस्थान, और अलग अलग स्टेट हैं जहाँ पे सरकारी ITI था उसको कन्वर्ट कर दिया गया ITOT में। उसका हम एक वीडियो बना देंगे कि कौन कौन से स्टेट में ITI में भी अब CITS ट्रेनिंग होगा। अब एग्जांपल के समझते हैं, इलेक्ट्रीशियन की अगर सीट की बात की जाए तो गवर्नमेंट ITI अजमेर में 25 सीटें हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ITOT जो है यहाँ पर देखेंगे, बरन में सीटें इसकी नहीं हैं, ITOT बारमर में 25 सीटें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सीटें हैं, ठीक है, सीटें हैं। अब अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है, तो वो अब क्या करेंगे, तो उसकी प्रोसेस देखो। स्विंग टेक्नोलॉजी की 25 सीटें यहाँ पे हैं, ठीक है, और भी सीटें आप देख सकते हैं, स्विंग टेक्नोलॉजी की हैं, यहाँ पे कॉस्मेटोलॉजी की सीटें हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। अगर अब कोई चाहता है कि हम गवर्नमेंट ITOT से ही करें, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, तो उनके लिए क्या किया गया है, जो ITOT कॉलेजें हैं, जो ITI को कन्वर्ट किया गया ITOT में, उसमें एक फॉर्म को लाया गया है। अब फॉर्म को देखिए, अब इस फॉर्म को आप देखिए, आप फॉर्म को देखेंगे तो आप देख सकते हैं राजकीय प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, CITS के लिए अंतर्गत पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र। जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो क्या करेंगे, जो राजस्थान के हैं, ठीक है, या तो जो वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, वो जहाँ का भी हो लेना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो इस फॉर्म को भरेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ भरेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे बताया गया है इसका डिटेल, यहाँ की फ़ी लग रही है 200 रुपये की, शायद 175, ये आपको भरना होगा। उसके बाद नाम उम सब भरना होगा, डिटेलें। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आने के बाद आपको क्या भरना पड़ेगा, आपका जो क्वालिफिकेशन है, ये कॉलेज आपको खुद बता देंगे, कॉलेज में फॉर्म अवेलेबल है, भरा रहा है अभी, अपना जो वहाँ से स्टेट से करना चाहते हो जा सकते, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे CITS सेशन 2022 से ही लागू किया गया, नया ही लाया गया, तो अब वो क्या करेंगे,
अब वहाँ पे जो है अब ये फार्म में यहाँ पे क्या भरेंगे, सीआईटीएस फॉर्म जो परीक्षा के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा वो आप भरेंगे। यहाँ पे AICTE एग्जाम का रोल नंबर भरिएगा, यहाँ पे आप अपना जो है ट्रेड का नाम भरिएगा, कितना नंबर आपको आया है एंट्रेंस एग्जाम में, कितना नंबर आया है, जो भी आया है 100 में किसी को 72 75 जो भी आया है वो भरेंगे, ठीक है, टोटल कितना मार्क का था वो भरेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है ये भरेंगे वहाँ पे। उसके बाद ये जो है कार्यालय उपयोग के लिए है, आपके लिए नहीं ऑफिस के लिए है, ठीक है, ये सब भरेंगे। भरने के बाद ये सब भरेंगे, भरने के बाद देखिए क्या होगा कि कॉलेज में जमा होगा, ठीक है, लेकिन जो एडमिशन होगा वो एडमिशन क्राइटेरिया में आप जितना मार्क्स लाए हैं उसके आधार पर होगा। तो हम कहना ये चाहेंगे कि ये राजस्थान की फॉर्म है, और अगर कोई अदर स्टेट में है जहाँ आपको पता है कि आईटीआई में अब से आईटीएस कराया जाएगा, उसको आईटीओ टीम कन्वर्ट किया गया है, तो अपने कॉलेज से एक बार जाके मिल लें, क्योंकि ये फॉर्म राजस्थान में भरा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, इसकी फ़ीस कितनी रहेगी, तो वही 2000 से 3000 के आसपास रह सकती है। अब एक लेटर और देखिए, अब आप ये लेटर को देखिएगा, ये लेटर को देखिएगा तो ये भी जो है जारी किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, आप देख सकते हैं 4 तारीख को जारी किया गया है। राजकीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान आईटीओटी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, विषय में क्या दिया है थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। सब्जेक्ट में दिया है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में खोले गए नए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान सीआईटीएस के अंतर्गत पाठ्यक्रमों प्रवेश आरक्षण के संबंध में, मतलब जो आरक्षण मिलेगा ना, जैसे कुछ आरक्षण मिलेगा, जैसे जो उस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं या राजस्थान के रहने वाले हैं, तो वहाँ पे कुछ आरक्षण दिया गया होगा कि जो राजस्थान के रहने वाले हैं उनको इतना परसेंट का आरक्षण मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया भी गया है कि आरक्षण जो है सीआईटीएस के अंतर्गत पाठ्यक्रम प्रवेश आरक्षण आईटीआई में सीटीएस आयोजन में प्रवेश आरक्षण की भांति ही राज्य सरकार के नियमानुसार किए जाएंगे। मतलब क्या है कि जो आईटीआई में एडमिशन लेते हैं उनको अगर उस स्टेट से हैं तो कुछ आरक्षण वगैरह मिलता है, तो उसी प्रकार सीआईटीएस वाले को भी आरक्षण मिलेगा। अगर राजस्थान के हैं या जिस डिस्ट्रिक्ट में कॉलेजें हैं, अगर उस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं तो मिलेगा, ठीक है। तो ये कहना ये था, इसके लिए मैंने सर से बात कर ली है। कॉलेजें जो आईटीआई कॉलेजें हैं आईटीओटी जिनको कन्वर्ट किया गया है राजस्थान में, वहाँ मैंने सर से बातें किए हैं, वो बोले हैं कि फॉर्म अभी भरा रहा है, ठीक है, तो फॉर्म अभी ही आप भर लीजिए। मैंने उनसे पूछा भी कि सर क्या कॉलेजें चुनते समय इस कॉलेज को चुनना पड़ेगा, तो बोले कि उस समय ऑप्शन अगर आएगा तो आप चुनेंगे, क्योंकि ये नया लाया गया है तो कहीं ना कहीं जो है अभी क्या चीज़ें हैं वो पता नहीं, लेकिन फॉर्म भरा रहा है। तो आप अगर आईटीआई से करना चाहते हैं, आपके भी जगह हमें आपके भी डिस्ट्रिक्ट में आईटीआई को आईटीओ टीम कन्वर्ट किया गया है, तो आप एक बार जाकर पहले मिल लीजिए। सीआईटीएस से संबंधित जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें, थैंक यू।